दिल्ली के मंगोलपुर स्थित आई ब्लॉक में शनिवार सुबह उस वक्त हड़कंप का माहौल बन गया जब एक युवक के आत्महत्या की खबर आसपास के लोगों को मिली। दरअसल जानकारी के अनुसार मंगोलपुरी आई ब्लॉक में गृह कलेश में परेशान होकर एक युवक ने अपने घर में फांसी लगाकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। परिजन की माने तो करीब 26 साल के नवीन ने कुछ समय पहले ही प्रेम विवाह किया था, लेकिन कुछ समय बाद ही पति पत्नी में आपस में विवाद शुरू हो गया। मृतक नवीन के पिता वेद प्रकाश की माने तो पति पत्नी का अक्सर लड़ाई झगड़ा होता रहता था और नवीन रोजाना के गृह कलेश से परेशान होकर ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। हालांकि पुलिस का कहना है कि मृतक के पास से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं हुआ है। मौत की सूचना के बाद स्थानीय थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मुआयना किया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। साथ ही पुलिस आगे की कार्रवाई में जुट गई है। वहीं नवीन की मौत के बाद परिवार का रो रोकर बुरा हाल है। परिजन अभी तक यह यकीन नहीं कर पा रहे हैं कि उनका बेटा अब उनके बीच में नहीं रहा। मामला यह हुआ है, इन्हें लव मैरिज करी थी, कम से कम 2 साल होने जा रही है। एक बच्चा हुआ 12 नवंबर को, 5 महीने का हो गया। अब इनमें लड़ाई झगड़ा हुआ हो तो ये रहते किराए पे। अब वहाँ मियाँ बीवी में कहेंगी लड़ाई हुई क्या हुई, तो परसों क्या कहते तू तो मैं वही। उसके बाद ये घर चले गए। घर जाने के बाद परसों रात को कोई बात हुई होगी तो मैं लड़ गया, कहते गया छोटा वाला उसको देख दाख के आगे सो गया। इसकी घरवाली आगे थे अपने घर जाके चली गई, बच्चे को यहाँ छोड़ गई। अब बच्चा रो बताओ इतना सा, 4 महीने का बच्चा क्या कहते रो रो कर रात भर में सोएगी नहीं। परसों क्या कहते चलो हो गया, सुबह रे आई बच्चे को लिया, फिर क्या कहते चली गई, शाम तक रही है, शाम के बाद चली गई। क्या कहते मतलब वो करूँगी, क्या कहते फैसला, क्या कहते तलाक दूंगी। अब उसके बाद क्या कहते बच्चे को लेकर, जब से क्या कहते रात को ऊपर सोया छत पे सोने के बाद ये उठाया, उठ के बाद लैटरिंग करी है, लैटरिंग करके मोबाइल के अपना चलाता रहा। मैं कूड़े की बाल्टी फेंकने, कूड़े की बाल्टी फेंकने के बाद जैसे ही ऊपर बाल्टी लेके गया हूँ खाली तो देखूँ तो ये लटका हुआ। मैं से क्या कहते पैसे निकले तो 10-20 रुपये और पर्ची निकली जिसमें नाम डोली भी है, कविता है, श्याम है, विनोद है, इन चारों के नाम लिखे हुए हैं। तो पुलिस ये कह रही है क्या कहते कि ये तो पुरानी पर्ची है, लेटिंग पुरानी है। अब इस आत्महत्या की असली वजह क्या है यह तो जांच का विषय है, लेकिन परिजनों की माने तो गृह कलेश से परेशान होकर उनके बेटे ने अपनी जीवन लीला समाप्त करना ही उचित समझा। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। दिल्ली से अपने सहयोगी फिरोज हसन के साथ अजीत कुमार की रिपोर्ट, हम वतन टीवी। देश विदेश के ताजा तरीन खबरें अपने मोबाइल में पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं और देखते रहें हम वतन टीवी, खबर से खबर तक।